2016 के इनकम टैक्स डेटा के अनुसार भारत में 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 11 लाख लोग साल का 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं, और 121 करोड़ में से सिर्फ 5000 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं और करोड़पति की कैटेगरी में आते हैं। और इस पूरी पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसमें से 99% इस दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके 1% लोगों के पास है, बाकी के 99% लोगों के पास दुनिया की 1% ही दौलत है। जिंदगी में दो तरह के पेन होते हैं जो ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, हर इंसान फेस करता है। पहला है डिसिप्लिन का पेन, यानी खुद पर कंट्रोल करते वक्त जो दर्द होता है वो दर्द, और दूसरा पछतावा कि मैंने वो चीज क्यों की या फिर क्यों नहीं की। चॉइस आपकी है, आप इन दोनों में से कौन सा चूज करते हो। आप इस पूरी दुनिया के अगेंस्ट होकर कभी भी वॉर नहीं जीत सकते अगर आप खुद के दिमाग के अंदर हो रहे वॉर को नहीं जीत लेते। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब मोटिवेट हो जाते हैं, जोश से भर जाते हैं, बहुत कुछ करने को मन करता है, बड़े से बड़े एक्शन लेने चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो फीलिंग्स कम होने लग जाती है। फिर से हम सोचते हैं कि ये मन दोबारा वापस कैसे आए। वो जो एनर्जी से किसी दिन बहुत ज़्यादा भरे हुए थे शुरुआत में, वो फिर से कैसे है? जिंदगी के हर दिन एनर्जी से कैसे भरे हुए रहे? आलस दूर दूर तक नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल हो सकता है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या? खुद पर कंट्रोल। अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप कितने भी बड़े बड़े ड्रीम्स देख लो, आप कितना भी ज्ञान ले लो, कितना भी होशियार बन जाओ, कितना भी जीनियस बन जाओ, कितनी ही बड़ी से बड़ी बातें कर लो, उसके बारे में बार बार सोचना शुरू कर दो, वो एक्शन में सिर्फ तब आ सकता है जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो। लोग कहते हैं ना कि केवल ऐसी बातें सुनने से क्या होता है, तो ये बात सही भी है। सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए उसे हकीकत में बनाने में। 99% लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो करना चाहिए वो करने के लिए तैयार ही नहीं है। 99% लोग तैयार नहीं है। इस दुनिया में 1% लोग हैं जो एक्चुअल में सक्सेसफुल होने के लिए जो चाहिए होता है वो करते हैं। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? लगभग सभी को ये बात पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए कभी हार नहीं माननी है, खुद पर विश्वास रखना है, रुकना नहीं है, लेकिन उनमें से केवल 1% लोग हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन होकर उसे फॉलो करते हैं। 99% लोग फेल हो जाते हैं। यही रीजन है, यही कारण है जिसकी वजह से दुनिया का 99% पैसा 1% लोग के पास है। हर इंसान जन्नत जाना चाहता है, लेकिन कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। हर इंसान सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है, एक कामयाब इंसान बनना चाहता है, लेकिन कोई भी इंसान फेलियर्स को फेस करना नहीं चाहता है, कोई भी दर्द सहना नहीं चाहता है। हर इंसान पछतावा नहीं करना चाहता है, लेकिन पछतावा ना करने के लिए खुद पर कंट्रोल नहीं कर रहा है। हर इंसान खुद को कंट्रोल करना चाहता है लेकिन उसे करने में जो दर्द है वो कोई सहना नहीं चाहता। हर सपने की शुरुआत, हर इच्छा की शुरुआत, हर सोच को हकीकत में बदलने की शुरुआत, हर प्लानिंग की शुरुआत, हर बड़े से बड़े काम की शुरुआत, हर सपने का जन्म, हर करियर का जन्म होता है सेल्फ डिसिप्लिन से। जब हम बोलते हैं ना नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, तो इस लाइन में भी सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर किसी में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो 100% हार मानेगा। जब हम लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, अनडिसिप्लिन वाली लाइफ जीते हैं, अपनी फीलिंग्स के बेस पर, अपने इमोशंस के बेस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं काम ना करूं, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं पढ़ाई ना करूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आज ड्रिंक करूं, मैं आज स्मोकिंग करूं, बाइक तेज चलाओ, कार तेज चलाओ गाने सुनते हुए, मेरा मन कर रहा है कि मैं गुस्सा करूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने हेल्थ पर ध्यान ना दूं, तब ऐसे करते हुए फीलिंग्स और इमोशंस को खुद पर इतनी हावी होने देते हैं क्योंकि डिसिप्लिन पूरा खो देते हैं, तब ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिस पर बाद में पछतावा करना पड़ता है। सारा खेल माइंड का है। बॉडी भी तब तक एक्टिव और हेल्थी नहीं हो सकती अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है। कई बार आप अपने पसंद का भी काम करोगे, अपनी पसंद की भी पढ़ाई करोगे, अपने पैशन को भी फॉलो करोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आप वहाँ भी बोर हो सकते हो। मोटिवेशन हर वक्त काम नहीं करता है। हर वक्त आप जोश से भरे हुए नहीं रह सकते। कई बार आपको खुद को पुश करना होता है, अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है।
बहुत लोग न्यू हैबिट ऐड करना चाहते हैं और कोई भी अपनी ओल्ड हैबिट डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कोई भी न्यू हैबिट ऐड करनी है, बहुत लोग चाहते हैं वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, रोज कुछ नया पढ़ते रहना, कुछ बनने के लिए मेहनत करना, ये सब हैबिट ऐड करना और कोई भी ओल्ड हैबिट डिलीट करना, बुरी आदत को छोड़ना, जैसे स्मोकिंग को छोड़ना, कोई खाना कम करना, दिन के शुरू होते ही शुरू के एक घंटे फ़ोन को यूज़ नहीं करना। जैसे आपने सुना होगा कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप शुरू के एक घंटे में क्या करते हो। तो इन सब के लिए आपको ज़रूरत होगी सेल्फ डिसिप्लिन की। कई लोगों को इतना भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता कि वो मेरी वीडियो को पूरी देख सके, क्योंकि मेंटल एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मेरी बातों को सोचने में जोर देना पड़ रहा है, वो जोर दिया नहीं जा रहा है। मन कर रहा है कोई कॉमेडी वीडियोस देखो, कुछ ऐसा जिससे मजा आए, जिससे डोपामाइन रिलीज हो, ब्रेन को प्लेजर मिले। जहां मन की सुनते जाओगे उतना ही पूरे फंसते जाओगे। जैसे ही आप खुद डिसीजन लोगे आप पावरफुल होते जाओगे। एक पावरफुल मतलब क्या है? एक पावरफुल वो जो खुद को जीत चुका है, जिसका खुद पर कंट्रोल हो, जो दुनिया में सबको ना बदले, जो दूसरों पर जीत प्राप्त ना करे, जो खुद पर जीत प्राप्त कर ले, जो खुद के मन पर जीत प्राप्त कर ले, जो जैसा चाहे वैसा कर सके और इसके बीच में उसके मन की बिल्कुल भी ना चले। अब आप एक्चुअल में आजाद हो, रियल फ्रीडम इसे बोलते हैं, जो मन के कंट्रोल में है, जिसका जिसका खुद के मन पर, खुद की फीलिंग्स पर, खुद के इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो किंग भी बन जाएगा, वो राजा भी बन जाएगा, तब भी वो गुलाम है, वो अपने माइंड का गुलाम है। जहां माइंड अच्छा फील करवा रहा है वैसा करता जा रहा है, भले वो गलत हो। और जिसका खुद के मन पर पूरा कंट्रोल है, खुद के माइंड पर पूरा कंट्रोल है, जो अपने मन का किंग है, अपने माइंड का किंग है, अपने माइंड की लगाम उसके खुद के हाथ में है, उसे आप किसका लालच देकर हराओगे? उसे आप कैसे डराओगे? उसे आप कैसे परेशान करोगे? वो तो फीलिंग्स और इमोशंस पर विजय पा चुका है। तो अपने माइंड का किंग बनना है, बाहरी दिखावा राजा नहीं बनना है।